फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में। और आज हमारी शॉपिंग, जैसे मैंने कल बताया था कि अविष्का की शॉपिंग करनी है, तो आज है अविष्का की शॉपिंग। और चलिए शॉपिंग में देखिए, और हम जाएंगे पास की मार्केट में। पास की मार्केट क्या, वो मेन मार्केट ही है, यानी लोकल में नहीं, पर हाँ दूर जाएंगे, जिसे पालम मार्केट बोलते हैं, तो वहाँ से हमारी शॉपिंग होती है। और अविष्का की ड्रेस अच्छी भी मिल जाती है, तो अविष्का का बहुत मुंह फूला हुआ था, देखिए शायद थोड़ा सा पिचक गया है ना इनको पसंद आ जाए तो। और नवरात्र का दिन भी है, तो काम काफ़ी होता है, तो जल्दी जाना है और जल्दी आना भी है, क्योंकि काफ़ी बिजी रहते हैं, शाम को भी पूजा करनी होती है। तो चलो भाई, जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो फिर इनका फिर से मुँह फूलने वाला है। आ गए मार्केट, और यहाँ पर ये लोग भागते हैं बहुत तेज़ी से। मार्केट बहुत अच्छी लगी हुई है, देखिए पूरी मार्केट काफी झमाझम, तो लग रहा है शॉपिंग हो जाएगी अविष्का की। और फ्रेंड्स, अविष्का की ड्रेस का सिलेक्शन शुरू हो गया है, पर आपको बता दूं, अविष्का को बहुत कम ड्रेसेस पसंद आती हैं, बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, जो मार्केट में सिर्फ एक सिंगल पीस आता हो और उसको अगर दिख गई ना पूरी मार्केट में कि वही ड्रेस कहीं और भी मिल रही है, तो वो कभी नहीं परचेस करती है, क्योंकि रियल में आखिर बर्थडे की बात है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। फिर हम शॉप पे शॉप चक्कर लगाते रहे, फाइनली कहीं ना कहीं ड्रेस तो अविष्का को पसंद आएगी, क्योंकि मैं भी बहुत चूजी हूँ कि मेरी बेटी को बिल्कुल स्पेशल ड्रेस पसंद आनी चाहिए। तो अविष्का ने एक ड्रेस जो है वो फाइनल की है, वो की है किस कलर की, वो आप बर्थडे व्लॉग में तो देख ही लेंगे। फिलहाल यहाँ पर ड्रेस की चेकिंग चल रही है और मेरा पेमेंट हो चुका है, क्योंकि एक ड्रेस तो फाइनली पसंद ही आ गई। 3 घंटे में तो एक ड्रेस तो पसंद की कर ही सकती है कोई ना कोई लेडीज़, और इसके बाद मैं करूँगी अपनी करवा चौथ की शॉपिंग, क्योंकि मैं सोच रही थी दोनों शॉपिंग एक साथ हो जाएंगी, क्योंकि हम बार बार नहीं आ सकते और अविष्का का टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। तो यहाँ पर पहुँच गई मैं शॉप पर अपनी करवा चौथ की साड़ी लेने के लिए, और फिर वैसे ही मैं भी बहुत चूजी हूँ, इससे पहले मैंने कई शॉप देख चुकी हूँ, पर इस साड़ी से यहाँ से ली है मैंने, इसीलिए मैं यहाँ का कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने साड़ी पे साड़ी देखना शुरू किया, मेरा जो एक पर्पस था कि वो साड़ी जो है ओकेज़न वाइज, मतलब जैसा कि करवा चौथ है, तो साड़ी रेड या येलो में हो, मतलब कि लगे कि हाँ फेस्टिवल के लिए है। दूसरा कि क्योंकि मुझे ब्लू ब्लैक ये सब तो लेना ही लेना नहीं है, ये लोग दिखाते हैं कई सारी साड़ियाँ दिखाते हैं, पर हमारा ये पर्पज़ नहीं होता, और उसमें बॉर्डर होना चाहिए मुझे अच्छा लगता है, उसमें बूटे काम होना चाहिए, पल्ले पे काम होना चाहिए, तो इस तरह से जो रिचुअल्स जो फेस्टिवल में है ना। तो यहाँ देख रही हूँ, ये लोग मुझे दिखा रहे हैं कि आप ये देख लीजिए, पर आप कलर चेंज करना चाहेंगी तो हम आपको दे देंगे। ये वाली साड़ी जो है ये थोड़ा सा नेट ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो मुझे थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि हम कोई पार्टी नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर करवा चौथ की बात हो रही है, तो थोड़ा होना चाहिए कि हम पूजा पाठ भी कर सकें, उसको अच्छे से पहन सकें। और इन्होंने कई रेड कलर की साड़ियाँ मुझे यहाँ पर दिखा दी हैं, चल रही भागा भागी, उसके पापा बात कर रहे हैं और अविष्का जो इनके पीछे भाग रही हैं कि पापा, और पापा कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं, तो अविष्का ने सोचा कि छोड़ो पापा भाव नहीं दे रहे, तब गाड़ी के पास चलते हैं, और मैं पीछे पीछे हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। आज दिन भर, मतलब जब तक वो शॉपिंग पे रहे तब तक उनकी जो है मीटिंग चलती रही, और अभी भी फ़ोन पे लोग, मतलब हमारी शॉपिंग ऐसी थी, देख रहे हैं अब जाके उन्होंने फ़ोन रखा हुआ। हो जाता है ऐसा कभी कि पापा को कभी कभी संडे को भी नहीं मिलता टाइम, और हम जो है इसी तरह उनके पीछे पीछे नाचते रहते हैं, जब वो फ्री हो चले हो हम जो है अपना बैठे कहीं पर दुकान में खरीद लिया, हमने ऐसी शॉपिंग की आज। अविष्का खाएंगी पिज़्ज़ा क्योंकि, और यहाँ पर बन रहा है, देखिए कितने जल्दी फटाफट पिज़्ज़ा बन जाता है, यहाँ बैठी मैडम, भूख लगी इनको, लगी भूख? हाँ। अच्छा भाई भूख लग गई, 10 बज रहे हैं, जल्दी लाओ भाई, ये मैडम खाएंगी पिज़्ज़ा, हम लोग क्या खाएंगे भाई, चलिए हम लोग कुछ खाते हैं, क्योंकि अब खाना खा के जाएंगे, अब रात में घर पे खाने नहीं बनाएंगे, खाने बनाने वाले। पापा अभी के पापा पहुंच गए अपने बेटे के लिए पिज़्ज़ा लेने के लिए, इतनी रहस्यमयी बातें करते हैं मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा वाले से, पता नहीं क्या लग रहा है कि सारा राज पूछ लेंगे कि क्या मिलाएगा भाई, क्या नहीं मिलाएगा, तो बेटी के लिए लेना है आखिर में, ऐसे वैसे थोड़ी देर बना के दे देगा, रखा रखा नया नया बनाएंगे। अविष्का लग गई है पिज्जा खाने में, हम लोग किस्मत, हाँ कौन पूछता है, सही बात है। ओहो,
यहाँ पर अविष्का मैडम का हिसाब किताब बिल्कुल सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिज्जा खाया जा रहा है और हम लोग भूखे, हम लोग जो है महक सुन रहे हैं, महक वाह, और रियल मजा आ रही है, महक बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि भूख लगी हुई है। नहीं मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ इस वजह से, नहीं तो ये तो कह रही थी कि खाने के लिए, तो चलिए मैं तो खा। अरे यार तुम हमेशा वजन बढ़ाने की बात करते, मैं वजन घटाने की बात करते, जानबूझ के उन्होंने नाम लिया है, मैं क्या कहूँ। और ये फाइल लीजिए जलेबी मतलब इनको मोटी भी लग रहा, अच्छी लगती है, ये बात तो तय। देसी आदमी जलेबी जलेबी और दही, तो भाई हमारी तो जलेबी ले जाएगी, मतलब मान के जितना मैं चलती हूँ ना, अभी के पापा कुछ कुछ मिठाई कहीं कुछ कुछ ला के देते हैं, इसमें मैं मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये मेरे पति का दोस्त है कि मेरा पति ही मुझे चाहता है, उनको पता है कि मुझे मीठा पसंद है और मैं भी वेट पुट ऑन नहीं करना चाहती, जलेबी खा लो, कभी पेड़ा ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, ऐसा पति भी किस्मत वालों को ही मिलता है। और फ्रेंड्स आ गए जलेबी, दही कहाँ गई है, दही नहीं देते क्या ये लोग, ये तो बात अच्छी बहुत गर्म है, कल 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा मुझे, कुछ नहीं करना, चलिए चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा आप तो डेली कुछ ना कुछ लाते मिले, डेली कल समोसे आए थे, कल तो नहीं खाए, हाँ अवॉइड ना करूँ तो मैं तो आप तो कुछ ना कुछ लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपने व्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा लालच आएगा, मुझे पसंद नहीं है और मैं खिला नहीं पाऊँगी आप लोग, तो लालच मत करिएगा। आज के लिए बाय बाय, आई होप सो आपको व्लॉग पसंद आएगा, सभी को बाय बाय।